असम के पश्चिमी कार्बी आंगलांग जिला के कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन, हामरेन जिला समिति और कई सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से आमरेंग बॉर्डर कमेटी के साथ असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को एक सामूहिक रैली कर जीरी किडिंग थाना प्रभारी के जरिए 3 मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। उन मांगों में क्रमशः सीमापवर्ती क्षेत्र में बॉर्डर आउटपोस्ट की तत्काल पुनर्स्थापना, तत्काल कार्बी मेघालय और कार्बी नागालैंड सीमा मुद्दे का समाधान। कुछ दिन पहले पश्चिमी कार्बी आंगलांग के मेघालय सीमांत से पुलिस को अपने ही बॉर्डर आउटपोस्ट को मेघालय की जनता प्रशासन के दबाव में हटाना पड़ा था। तब से लगातार कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन असम सरकार से मांग कर रहा है कि दोबारा से इस सीमा पर असम पुलिस BOP की पुनर्स्थापना करे। असम के पश्चिमी कार्बी आंगलांग प्रशासन को सीमा के इस क्षेत्र को विवादित बताते हुए मेघालय प्रशासन ने कहा कि जब तक दोनों राज्य की सीमा निर्धारण तय नियम से नहीं किए जाते, तब तक विवादास्पद सीमा के अंतर्गत किसी तरह कोई भी सरकारी कार्यालय या पुलिस का BOP निर्माण नहीं किया जा सकता। बाद में दोनों पक्षों में जब कोई हल नहीं निकला, तब असम पुलिस ने अपने अस्थाई इस बॉर्डर आउटपोस्ट को ध्वस्त कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि असम पुलिस के इस क्षेत्र से BOP हटाने के निर्णय से पश्चिमी कार्बी आंगलांग जिले के मेघालय सीमा पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने विरोध मचाना शुरू कर दिया। जिले के कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्र नेता सैमसन टेरोन ने असम सरकार को चेताते हुए कहा कि असम की सर्वानंद सोनोवाल सरकार राज्यवासियों की सभ्यता, संस्कृति और भूमि की रक्षा की बात पर सत्ता पर बैठी है, इसलिए दोबारा से अगर इस सीमा पर असम पुलिस ने BOP नहीं बिठाई तो छात्र संगठन व्यापक आंदोलन छेड़ देगा। जरकिंदिंग पुलिस स्टेशन व्हाई वी हैव सीन रिसेंटली दैट द मेघालय गवर्नमेंट हैज रिटेलिएटेड दैट दे क्लेम दैट द पार्ट्स ऑफ ओमखेरमी विलेज इज अंडर द मेघालय टेरिटरी, सो दैट इज व्हाई इन दैट केसेस we submitted a memorandum that we demand that the demarcations of boundary should be as per 1951 aro jikhini border Karbi Anglong border Nagaland border Kedhori Meghalaya border Kedhori Nagaon district Golaghat district government Assam government e initiative lobo lage jete uti honkale border to proper demarcation hobo lage unless and until government ইনিশিয়েটিভ নলয় তেতিয়াহলে কার্বি ছাত্র সন্থা তারপিছত আমার বর্ডার ডেভেলপমেন্ট কমিটি কে ধরি KSYC 24+ অর্গানাইজেশনস আমি গোটেখিনি অর্গানাইজেশন লগ ধরি আমি প্রতিবাদ চলি থাকি যাতে অতি সোনকালে চিফ মিনিষ্টার গভর্নমেন্ট অফ আসাম তথা আমার কার্বি আংলংর চিফ তেওঁলোকে এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে যে ইমিডিয়েটলি বৰ্ডাৰ্ছখিনিত যিমানখিনিত প্ৰব্লেমছ আছে তেওঁলোকে প্ৰব্লেমছবিলাক চল্ভ কৰিব লাগিব। আৰু ছেকেণ্ডলি বৰ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈ আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ চিফে, কিন্তু আজিলৈকে আমি দেখিছোঁ যে বৰ্ডাৰ এৰিয়া কোনো ডেভেলপমেণ্টে নাই, তাতে বেচিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে নাই, আমাৰ তাতে মেডিকেল ফেচিলিটিছ নাই, এডুকেশ্যন ফেচিলিটিছ নাই, তাৰপিছত আমাৰ ৰোড কণ্ডিশ্যনছটো আমি দেখিছোঁ আটাইতকৈ বেয়া। গতিকে কার্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে ইনিশিয়েটিভ ল'ব লাগিব যাতে